राहुल गांधी की सभा के बाद हमने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल। अभी अभी राहुल गांधी जी का रीवा दौरा हुआ है। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे विंध्य की चारों सीटों पर जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर रही, इस बार वो किस नजर से देख रहे हैं और कौन कौन सी सीटें जीत। देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीट जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी बड़ी बातें थी क्योंकि वो किसी भी बात को पूरा करने में कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता ने भारी आक्रोश से मोदी जी के भाषणों को देखे अब लक्ष्यदार भाषण सुन के पेट भरने वाला नहीं है। ये प्रदेश की जनता ने और रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने बड़े अच्छे से इस बात का एहसास कर लिया। 100% हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें आज की डेट में जीत रहे हैं, क्योंकि हम और भी कई संसदीय क्षेत्रों में गए। वक्त बदलाव का जिस तरह से विधानसभा में नारा दिया था वो लोकसभा में भी कारगर होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आपने कहा कि प्रदेश की 29 जीत, पिछले बार विधानसभा के चुनाव में रीवा की स्थिति काफी खराब थी, रीवा की 8 की 8 सीटें आप हार गए थे, उसको आपने किस तरीके से भरपाई करने की कोशिश की है? बहुत सारे लोग जो पार्टी के या जो कांग्रेस पार्टी का वोट काटने में कारगर हुए, ज्यादातर सारे के सारे लोग दल से लड़े थे, तो हमारी पार्टी में शामिल हो चुके और सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा, मोदी जी ने झूठे वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। दूसरा, जो हमारा बिखर गए थे वो सारे लोग अगर हमारे साथ आए मन लगा के काम कर रहे हैं, जनता विश्वास भी नजर आ रहा है और नौजवान अच्छा जो हमारी सरकार ने काम किया है, सरकार बनते पार्टी का बिजली बिल आधा करने का, एक रुपये करने का, किसानों का गेहूं का 160 रुपये बोनस बढ़ाने का, 600 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन करने का, 51,000 रुपये कन्या विवाह का करने का, प्रसूति सहायता राशि दोगुना करने का, ऐसे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जैसा आपका कहना था कि हमने जो काम किए हैं और जिस तरीके से दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को अगर मिला लिया जाए तो उनके वोट भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा होते हैं, इस आधार पर हम रीवा की सीट जीत रहे हैं, हमसे बात करने की आपका जरूरत। रीवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह, राहुल गांधी की सभा रीवा में हो चुकी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे रीवा में राहुल गांधी की सभा के बाद किस तरीके का माहौल है। चीजें बदली हुई है, लोकतंत्र के त्यौहार पे राहुल गांधी जी की सभा के बाद आदरणीय कमलनाथ जी के विशेष प्रयास के बाद हम रीवा लोकसभा से जीतने जा रहे हैं।